अम्मी वो हम सबको बदनाम कर रही है और आप अब भी उसके लिए रो रही हैं। उसे सदमा है बेटा। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। हमें उसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। तो कासिम दिखा देगा ना? और मैं मना कब कर रहा हूं? लेकिन निम्मी इस घर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इस घर में? ये उसके बाप का घर है। तुम उसे नहीं रोक सकते। बाप का घर? आपने कासिम की हालत नहीं देखी? सुना नहीं वो क्या कह रहा था? देखिए अम्मी, मैं अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे पर कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। आप इस बात को समझिए। तुम अपने बीवी बच्चे के लिए अपनी बहन की कुर्बानी दे दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी। कासिम है ना, वो इलाज करवा लेगा। उसकी बीमारी महरूमी और बदगुमानी है बेटे। हम एक बार सब बैठ कर ना उसे प्यार से समझाएंगे, वो समझ जाएगी। जोया तुम उसे समझाओ बेटा। मैं अम्मी सुने सुने, हम जोया से खैर से फारिग हो जाएं, हम निम्मी को यहां ले आएंगे। इस दौरान कासिम उसका इलाज करवाता रहेगा। लेकिन बेटा वो तुम इस तरफ। अरे अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जोहेब से नहीं मिलने गई? उसने कौन सा बड़ा नेक काम किया है जो मैं उससे मिलने चली जाऊं? क्यों, जिसे मिन्नतें करके बुला रही हैं, वो कौन सा नेक काम करके यहाँ से गई है? देख रहे हो तुम लोग कैसी बदजुबानी कर रही है मां के साथ। वैसे अम्मी, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको मामू के घर जाना चाहिए। उन्हें भी थोड़ी धारा सुचाएगी।